और ये अब दाल डालेंगे थोड़ी थोड़ी। ये हड्डी होती है। हड्डी? हाँ जी। अच्छा, पपीज बहुत क्यूट हैं। भेड़ पालक जी ने भेड़ का बच्चा पकड़ा है और इसकी टांगों में रस्सी बांध दी है, ऐसा क्यों? ये भाग जाता है, ढूंढने का बहुत स्यापा पड़ता है। अच्छा अच्छा, भाग जाते हैं? भाग जाता है, और फिर भी इसकी माँ नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा, और मैंने दोस्तों बकरी का मेमना पकड़ा है, तो भेड़ के भागते हैं या बकरी के भी? ये भेड़ का भाग जाता है किसी के साथ। बकरी का नहीं भागता? बकरी का कम भागता है, ये भेड़ का ज़्यादा भागता है। अच्छा अच्छा, भेड़ के मेमने ज़्यादा भाग जाते हैं। ये देखिए, बांध दिया है बेचारा। था बांध के रखा है इसको। ये अपने मेमने को पुकार रही है, देखिए। अभी स्मेल कर रही थी कि ये इसका मेमना तो नहीं है। फाइनली इसको इसका मेमना मिल गया, देखिए दूध पिला रही है अब। बाकी यहाँ पे साथ में देखिए बिरोजा है, देखिए चिपचिपा होता है, इनमें भी भरा हुआ है पीपों में फॉरेस्ट वालों ने। अभी डाल दी दोस्तों इन्होंने हल्दी, इसका बन गया बढ़िया कम। तो ऐसे बनता है खाना डेरे में। ये देखिए टॉर्च लगा के देख रहे हैं। वो है कि नहीं हो रहा है? हमारी बात सीख के ना, हमारी बात सिर्फ सीख देनी ना, बड़े ऐसे बना रहे हो रहे, ऐसे खा रहे हैं। हाँ, और ये अब दाल डालेंगे थोड़ थोड़ी थोड़ी। हाँ, डाल रही है दाल। हाँ, नमक डाल दिया? नमक डालेंगे बाद। अच्छा हाँ, अब देखो फिर छुट्टी पड़ने वाला है सारा। हाँ, ये डाल दी इन्होंने सारी। हाँ अच्छा, क्या चलो फिर जाना, टाइम आए तो सफल ही जाना। यहाँ पे दोस्तों अभी चपातियाँ बन रही है, ये देखिए। इनको चपाती नहीं बोलते, डंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंठ। अच्छा, डंठ बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। चपाती घर में बनती है। हाँ, डंठ। और कुकर में सब्जी है? हाँ, इसमें दाल है जी। दाल है जी, डालिए। जानवर बड़ा होना है, सुबह पिया मैं आया। लगे रोटी सक दे, खाओ दे। क्या उम्र हुई मैम जी तेरी? उम्र भी मेरी 60 साल। अच्छा हाँ, 60 साल के हो गया। अच्छा अच्छा, और जो चूड़ा मणि आज मिले थे वो 60 साल के है ना? पता नहीं कितने साल का, वो दूर का है, वो बड़े बंगाल का, हम छोटे बंगाल के। अभी हम खाना खा रहे हैं, तो अभी टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है दाल। अच्छी है। अच्छी की टांगों की दर्द की दवाई फर्क पड़ता है इससे? हाँ हाँ, देख लीजिए दोस्तों, टांगों में दर्द हो अगर। कितने टाइम से खा रहे हो आप? 1 महीना हो गया। अच्छा, उससे ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये दोस्तों इनका बोक बकरा, ये देखिए कितना सुंदर है, जुल्फो वाला। मेटिंग करता आया ना ये? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, कितने साल का हो गया? 4 साल का। 4 साल का, अभी तो पूरी जवानी पे है अपनी ये। और सुंदरो, जुल्फे तो हटाओ अपनी। अभी इनकी फीमेल डॉग खाना खा रही है, वहाँ पे बांध रहे हैं उसकी जांघ को, बच्चे को ले रही। अब ये दूध पिला रही है दोस्तों, देखिए। अपने बच्चों को लेती नहीं है। अच्छा, पहले नहीं ले रही थी ना? अब पहले है, दो बच्चे थे, दो बच्चे को ढूंढ रही है। अच्छा, दो बच्चे थे इसके? दो थे। ये वाला इसका ही है? ये भी इसका है। और दूसरा कहाँ गया? दूसरा हमने उसको लापता कर दिया, सारे बेच दिया। बेच दिया उसको हमने, इससे दूर कर दिया। दूर क्यों किया? कमजोर हो जाती है। तो ये दूसरे को भी ढूंढ रही है? ये दूसरे को ढूंढ रही है ना। हाँ, तभी तो तभी नहीं पिला रही थी, तब नहीं पिला रही थी ना। अच्छा अच्छा, अब तो बेचारी। वैसे कितने दिन का है ये? ये हो गया कोई 3 घंटे का। 3 घंटे का हुआ अभी? अच्छा, ये देखिए दोस्तों, 3 घंटे का, 3 घंटे का मेमना। ऐसे गालो, सोए सोए गालो, कुछ नहीं है। नहीं, रस को पता नहीं आएगा। ठाकुर तो बेचती सुनी।
ये अंदर थी अंदर डाली थी वो कैंडा हुआ तुझ मरना रोइए डले रिजड़े म करो बेबी वो कैंडा हुआ तुझ मरना रोइए डले रिजड़े। The next morning हरिओम सुप्रभात। यहाँ पे मैं सोया हुआ था रात को, कोई टेंट नहीं, कोई स्लीपिंग बैग नहीं, नीचे ये बिछाए हुए थे इन्होंने और ऊपर ये देखिए भेड़ की ऊन से बने हुए पट्टू। यहाँ पे चारों तरफ चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं तो ठंड कम थी यहाँ पे। ये वो भाई अभी दो दिन का। अच्छा दो दिन का, तो ये भी दोस्तों दादू जी के साथ अंदर ही सोया था। अभी 7 बजे सुबह के और भेड़ बकरियां चलेगी चरने के लिए, 10 बजे आएंगी वो, फिर खाना खाएंगी और निकल जाएंगी आज ये अगली जगह। तो मैं चलता हूँ यहाँ से अब दूसरे डेरे में। कल सुबह मैं इनके डेरे में आया था, फिर किसी और के डेरे में चला गया था, रात को वहीं सोया था, आज सुबह फिर से आ गया। अभी ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। खाने में क्या है? मीट है। मीट है? चावल है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चपाती है ये कुछ जी, बकरी का दूध भी खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और जो मीट आपने बनाया है वो क्या भेड़ का है बकरी का? क्या बकरे का था? वो कैसे मरा था वो कल? बीमार जैसे। बीमार था? हाँ जी। अच्छा अच्छा, फिर आपने मतलब खुद ही या बेचा भी? कुछ बेचा, कुछ बेचा भी, कुछ आपको नहीं। अच्छा बेचा भी? हाँ जी कुछ बेचा भी हमने। कितने रुपए का? भी कम 5,000 का बेच भी दिया। कितना किलो था वो? थे जी 20 किलो। 20 किलो? हाँ जी। बड़ा बकरा था? हाँ बड़ा बड़ा बकरा। अच्छा अच्छा। तो ये दूध है ना? हाँ जी ये दूध है जी। अब हम दूध के साथ खा रहे हैं। आप तीन ही लोग हो ना? हाँ जी तीन ही लोग हैं जी। और भेड़ बकरियाँ कितनी हैं? 350 जी। 350? हाँ जी 350 है। 5 घोड़े। 5 घोड़े। हाँ जी। और दोस्तों यहाँ पे इनकी भेड़ बकरियाँ भी रेस्ट कर रही हैं, देखिए थोड़ी देर में निकल जाएंगे चराने के लिए। बाकी ये इनके डॉग्स यहाँ पे देखिए बैठे हैं, एक फीमेल डॉग ये है जो कि प्रेग्नेंट है। चले मेटिंग को ये है, वो आपने देखा है खुद? हाँ जी हाँ जी, ये अपने पास। अच्छा यही इनके पास? दोस्तों वहाँ पे दो मेल डॉग्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको जरा। एक ये है और एक वो, दोनों बाण है, इनसे क्रॉस हुई है ऐसा बोल रहे हैं ये, अब मुझे आगे पता नहीं। बाकी एक फीमेल डॉग ये है, इसने पपीज दिए हुए हैं अभी, तो ये निकाल रहे हैं दोस्तों बकरी से दूध, ये देखिए। और साथ में ही इसका यहाँ पे मेमना है, इसी का है ये? हाँ इसका ही। अच्छा अच्छा। दो बच्चे इसके। उन्होंने दूध पी लिया? हाँ ने दूध पी लिया, इसके बाद दूध बच गया है, इसको मां के दूध बढ़ रहा है। अच्छा बच गया है दूध? हाँ जी। इतना ही हुआ? हाँ जी हो गया। इतना दूध सिर्फ इस अकेले ने दिया? अकेले ने दिया। इन्होंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाता। तो यहाँ पे देखिए अभी बकरी का दूध गर्म हो रहा है मेरे लिए, दूध भी उबल गया दोस्तों। रुको रुको रुको, पकड़ो पकड़ पकड़ रखो, गर्म है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, थैंक यू। ये बनाया है इन्होंने मीट, ये देखिए। कुत्तों को भी दिया आपने? हाँ जी हाँ जी। तो अभी ये भी खाना खा रहे हैं। टेस्टी बिल्कुल। एक नंबर, नंबर वन। पर मैंने दूध से गुजारा चला लिया। ये क्या चीज होती है? ये हड्डी होती है। हड्डी? हाँ जी। अच्छा इसमें गुद होता है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। टेस्टी होता है गुद? हाँ, बहुत ही टेस्टी। अच्छा अच्छा, तो मैंने गोभी लाई है, वो भी तो टेस्टी बनेगी। हाँ गोभी अच्छी बनेगी भाई। वैसे चलो मैंने तो आज तक मीट खाया नहीं है ना। अच्छा जी, अगर आप गोभी बनाओगे तो मीट से ज़्यादा स्वाद होगी या कम? नहीं नहीं, मीट के बराबर स्वाद नहीं होगा। अच्छा
अच्छा अच्छा तो दोस्तों देख लीजिए फूड ब्लॉग बन गया ये। ये फिर इतना ही बचा अब, थोड़ा सा बच गया अब। हाँ थोड़ा सा बच गया, खत्म कर दो इसको भी आप। हाँ खा लेंगे हम। सबसे पहले इस फीमेल डॉग को खाना दिया क्योंकि इसने बच्चों को जन्म दिया है, देखिए। और ये दोनों मेल डॉग्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, देखिए। और इसको दोस्तों नींद लगी है, देखिए आंखें बंद कर रहा है क्योंकि रात को ड्यूटी देते हैं ये। ये इनका बड़ा बकरा यहाँ पे रेस्ट कर रहा है अभी, फीमेल डॉग यहाँ पे खाना खा रही है अभी भी। और देखिए बकरी ने डीक मार दी। तो देखिए अभी ये चरने के लिए जा रहे हैं, शाम को आएंगे। बाकी इसकी क्वालिटी देखिए दोस्तों, जैसे टेडी बियर होता है वैसे लग रही है। भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पे फीमेल डॉग ने पपीज़ दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे रहूँगा अकेले तो मेरे पे अटैक कर सकती है वो बच्चों को लेके, तो मुझे भी अब निकलना चाहिए क्योंकि पिछले महीने ही कुत्ते ने काटा था। अभी दोस्तों मैं दूसरे डेरे में जा रहा हूँ, लगभग 2 किलोमीटर मुझे प्यागा लगा बोलने। सुबह चढ़ाई करनी पड़ेगी ऊपर को, सोचा नहीं था दोस्तों इतने नीचे मिलेंगे ये। तो दोस्तों 3 महीने के हैं दो पपीस भाई बहन, देखिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग है इनमें, एक साथ खाना खा रहे हैं ये देखिए। और देखिए एक्टिव भी काफ़ी है, तो देखिए कैसे लेट गए हैं ये। ओ ओ गिर गया फिर से। ओ इसको मैं उठा लेता हूँ। इनका जो फादर है वो बाण था। हाँ जी। वो कहाँ गया अब? वो और का ही था ना, हमारा नहीं था। अच्छा दूसरे डेरे वाले का था। जी दूसरे डेरे वाले का था। आपने देखा था कितना बड़ा था वो जो कुत्ता बैठा हुआ ना, उतना ही था वो। उतने बड़े साइज का था। हाँ जी। और बाल कितने थे उसको, मतलब प्योर बाल था? तो प्योर बाल था वो। करो कसम से। कसम से। बहुत क्यूट पपीज़ हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ढंग से दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पे रख रहे हैं। वो कुत्ती भी अंदर चले जाती है इनकी माँ? हाँ तो उनका ही है कहीं। नहीं नहीं आएगी, अभी खाना खा रही है ना वो। हाँ खाना खा रही है दोस्तों फिंडरी। जुगाड़ बहुत अच्छा ढूंढाया आपने। मौसम बारिश वाला है, देखिए तारे भी नहीं हैं, है ना। तो अगर मान लो बारिश हुई तो इस खड्डे में पानी नहीं भर जाएगा? नहीं। हाँ नहीं, कम पड़ती है ना बारिश। अच्छा वो फिर इधर चीले चाले भी हैं बहुत, तो कांटे बहुत हैं यहाँ पे। और मेरे कपड़े देखिए पूरे गुम्बरों से भर गए हैं ये देखिए। अभी इनका बड़ा मेल डॉग खाना खा रहा है और साथ में ये खेल रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने तो खा लिया सबसे पहले।